हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ओप्पो A31 में डिस्प्ले किस तरीके से हमको चेंज करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो ये डिस्प्ले है, ये हमारा यहाँ से ऑलरेडी ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है। तो इसको किस तरीके से चेंज करना है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बैटरी को रिमूव करना है। बैटरी को रिमूव करने के बाद इस डिस्प्ले को हीटिंग से ये बाहर निकालना है। इससे बाहर आ जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो इसकी बाउंड्री दिख रही है, इसको क्लीन करना है। इस बाउंड्री को अच्छे से क्लीन करके इस तरीके से इसको क्लीन करना है। और ये हमारे पास ये देखो डिस्प्ले अवेलेबल है, इसको किस तरीके से लगाना है। इस सिल्ट को सबसे पहले हम निकाल लेंगे। इस सिल्ट को निकालने के बाद आपको किसी भी मोबाइल की शॉप पर ये ग्लू रिमूवर मिल जाएगा, 5000 रुपए का आएगा। तो आप ये ग्लू रिमूवर ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको इस जगह ग्लू लगाना है। जैसे ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको ये ग्लू लगाना है। इस तरीके से आपको ये ग्लू लगाना है। आपको इसी तरीके से ये ग्लू लगाना है जो मैंने आपको बता दिया है, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। और उसको क्या करना है कि आपको जो ये डिस्प्ले दिख रहा है, इस वाले स्ट्रिप को इसके अंदर आपको फिक्स करना है। धीरे से फिक्स, सॉरी मैं वो पुराना कॉम्बो लगा रहा था, ये जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले, इसको क्या करना है, इस स्ट्रिप को इसको अंदर आपको फिक्स करना है। ये यहाँ पर जो आपको जो गैप दिख रहा है, इसको अंदर ये ऐसे फिक्स करके इस तरीके से आपको फिक्स करना है। ये हमारा यहाँ से डिस्प्ले कंप्लीट फिक्स हो चुका है। तो इसको हमको क्या करना है, ये जो क्लिप्स है इसको ये हमारा ये हमारा फोन में डिस्प्ले ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो आपने ये हमने जो डिस्प्ले लगाया है, इसको रबड़ से पैक कर लेना है, रबड़ इसके ऊपर लगाना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसको आधे घंटे बाद आप निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। अगर ये मेरी